यू आर ऑन टॉप ऑफ पेंजरपा। सोलू जी की हलचल, सारे नु सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। और जी मुझे लगता है इस दुनिया में शायद सबसे बुरी किस्मत मेरी है। क्यों है? क्योंकि आज मेरा ड्रंगद्रुंग ग्लेशियर एंड पेंसिला पास जो मेरा मन नहीं था जाने का। एनीवेज मैं सोच के बैठा था कि आज एडिटिंग करूँगा, अपने कपड़े वपड़े समेटूँगा, कल सुबह आराम से निकल जाऊँगा। बट किस्मत इतनी बुरी कि यहाँ गई हुई थी लाइट। और ये भी अच्छा था कि मैंने टाइम से पूछ लिया उस लड़के से कि जो यहाँ के स्टाफ था उनसे पूछ लिया कि भाई लाइट कब तक आएगी, तो उन्होंने बोला कि लाइट तो भैया शाम को ही आएगी। एंड आई वॉज लाइक ये क्या हो गया। इतने में नितिन भैया ने इशारा किया, चल चल खड़ा हो ले अब जल्दी जा। तो जल्दी से ऊपर गया, फिर वापस आया बहुत जल्दी जल्दी में, इसलिए सांस भी फूल रही है और मैं भूल चुका हूँ ऊपर ग्लव्स, तो मेरे को पहले तो ग्लव्स लेके आने हैं। बाबा जी मेहर करना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, बस जैसे सेफ्टी से जा रहे हैं सेफ्टी से वापस आ जाए अच्छे से। ये है अपना छोटा सा मार्केट पाडुम का, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, कल नितिन भैया वहाँ लेके गए थे अपन को, जंस्कार होटल रेस्टोरेंट मेन मार्केट में है। बहुत अच्छा खाना था यार। यार यहाँ के जो व्यूज़ है ना वो बहुत अलग है। और ये वाले जिस हम रूट पे जा रहे हैं ये कारगिल वाला रूट भी कहलाता है, ये जाता है रांगडोम होते हुए। अगर आपको डायरेक्ट कारगिल निकलना है तो आप इस रूट से होके जाओ, और आपको अगर ले जाना है तो कल वाला जो रूट था हमारा एंड होने वाला कल का रूट भी थोड़ा सा सेम है। हेलो, हाय जूली, जूली। यार ये बच्चे आगे बहुत अच्छे होते हैं, लिटरली बता रहा हूँ। बट मेरे से ना एक बहुत गलती हो गई, एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे को एक्चुअली टॉफ़ीज़ या कुछ लानी चाहिए थी, चॉकलेट्स वगैरह बच्चों के लिए, बट कोई बात नहीं मैं कल ले लूँगा वहाँ से। जूली, जूली, बाय। और अब जो हो चुके हैं भाई दोबारा से ऑफ रोडिंग स्टार्ट। बस हमारी किस्मत में ना बहुत लिमिटेड पैचेस बने हुए टायमेक के, और भाई ओप तेरी का बता तो दिया करो यार, आगे गड्ढा भी है। यहाँ ना भाई बीआरओ को इतना वर्क चल रहे हैं, इनको सल्यूट है भाई, इतनी ऊपर चढ़ाई पे हाई ऑल्टीट्यूड पे इतना काम करते हैं। यहाँ बाइक चलाने में सांस निकल जाती है, और ये रहो भाई फुल मेहनत कर रहे हैं। टच वुड ऐसे ही लगे रहो भाई, आप लोग हमारे लिए कर रहे हो, थैंक यू सो मच। एनीवेज भाई बीआरओ के लिए भी एक सल्यूट बनता है, ऊंचाइयों पर कितना काम करवाना और इतने प्यारे प्यारे रोड्स बनाना, पूछो मत। अभी के लिए मत सोचना क्योंकि अभी रोड ख़राब है, बट अच्छा बनेगा आई एम डैम श्योर। ये जिस हिसाब से रूट देख रहे हो ना, आने वाले 2 साल में एडवेंचर ख़त्म हो जाएगा, झंस्कार हो चाहे लद्दाख हो चाहे कुछ भी हो। क्योंकि अब यार देखा जाए ना तो आदमी को कंफर्ट चाहिए, हम जैसे के लिए ट्रेल चाहिए थी, वो ट्रेल का काम हो लिया। अब दुनिया को ट्रेल नहीं चाहिए, अब तो सिर्फ कंफर्ट जोन चाहिए दुनिया को। स्कार जो है ना बहुत ज़्यादा ड्राई एरिया है, डस्टी एरिया भाई, इतनी डस्ट उड़ती है यार। मतलब ये लगा लो हेलमेट, राइडिंग जैकेट, राइडिंग गियर्स, मतलब जा सारे, इतनी मिट्टी निकलती है शाम को जाके जिसकी कोई हद नहीं। सवा 10 तो यहीं बच चुके हैं। आई वॉज थिंकिंग कि हम 2 बजे तक पहुंचेंगे और 1 घंटा वहाँ लगा के भी अगर वापस निकलेंगे तो वही 7 बजेंगे हमें वापस आते आते। घर से निकले हुए भाई इतने टाइम से हो चुका है, बट अभी सिर्फ 1100 किलोमीटर ही बाइक चली यार, सिर्फ 1100। और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, कितने टाइम से बाइक चला रहे हैं, क्योंकि ऑफ रोड ज़्यादा था और टैरमैक और रोड्स कम थे। रोड के हालात देखो, बन रहे हैं रोड, नो डाउट, बहुत अच्छी तरीके से बन के थे, रेडी हो जाएंगे कुछ टाइम्स में। एंड नाउ वी आर एट कोई विलेज गया था, उसका नाम मेरे दिमाग से उतर गया। और आगे भाई ग्लेशियर देख रहे हो, बहुत प्यारे प्यारे बर्फ़ से ढके हुए, और ठंडी हवा भी हो गई है। तो बस अब कुछ ना कुछ ग्लव्स वगैरह मुझे पहनने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं रोकेंगे तो ग्लव्स पहनता हूँ मैं। ये भाई अपने लाला भाई जो बना रहे हमारी वीडियोस, और ये देखो भाई पोजीशन देखो जरा इनकी, ये इनकी पोजीशन देखो। थैंक यू सो मच धीरज भैया। रंग रूम पड़ गया है बहुत लंबा, और ज़्यादा नहीं तो मोस्टली हम करीबन
75 किलोमीटर चल चुके हैं और इसमें से सिर्फ 5 या 10 किलोमीटर का ही रोड अच्छा था, बाकी फुल ऑफ रोड। बस ये रोड बन रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं कहूँगा, होप्स होगी 1.5 साल 2 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा रोड, देन उसके बाद आप उड़ते हुए आना, उड़ते हुए जाना भाई। ओए होए होए भाई, ये बने हुए हैं ओल्ड ब्रिजेस और ये पूरा लकड़ी का ब्रिज बना हुआ है भाई, और इसके ऊपर से देखो कितने भारी भारी ट्रक्स व्हीकल्स निकलते हैं। और यहाँ चल रहा है भाई बहुत अच्छे लेवल पे काम, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा ही होने वाला है यार आने वाले टाइम में। भाई आपको वहाँ पीछे वाइट कलर का बिल्कुल वो दिख रहा है, स्नो ढका हुआ कवर बिल्कुल, वो है भाई द्रंग द्रुंग ग्लेशियर। और इसके लिए ना भाई ये पूरी पहाड़ी क्रॉस करके उधर जाना पड़ेगा, और हम वहाँ नीचे से आ रहे हैं। ओ भाई क्या झटके लग रहे हैं भाई, और हवा इतनी ठंडी हो चुकी है कि पूछो मत, ठंड लगने लगी है। वाइजर ओपन किया हुआ है बिकॉज बंद करता हूँ तो फॉग जम जाता है, तो रोड नहीं दिखते मेरे को। आई एम डैम श्योर यही है भाई, डैंग डूंग, आई थिंक हम पानजीला पास पे आ चुके हैं। ये स्तूपा तो बना हुआ है बट नहीं है, पानजीला नहीं है। ओहो सर दर्द हो रहा है भाई ठंडी हवा से। यह है ड्रंग ड्रूम ग्लेशियर और भाई नीचे का व्यू देखो बहुत प्यारा लग रहा है। हम वहाँ से ऊपर होते हुए हैं और वो है ड्रंग ड्रूम, और ये नज़ारे देख लो ज़रा कातिल। ओए होए मज़ा सा आ गया भाई देख के। फाइनली भाई लोग पहुँच चुके हैं ड्रंग ड्रूम ग्लेशियर, और ये अपनी सारी बाइक्स खड़ी हैं इधर। ये रे अपने लाला जी, लाला जी कैसा फील आ रहा है फिर ऊपर आके? मस्त मजा आ रहा है, बहुत ठंडी हवा चल रही है भाई, हाथ हो चुके हैं लाल। ये रहे धर्मेंद्र भैया और ये अपने विकास भैया। सो फाइनली वी आर एट पेंसिला पास, 44 मीटर एल्टीट्यूड, और ये है भाई नज़ारे यहाँ के, और यहाँ बना हुआ है पास। तो चलो जी कुछ फोटोज वगैरह क्लिक करवाते हैं। यू आर ऑन टॉप ऑफ पेंजिला पास, हाइट 14,000 feet, जंस्कार डेवलपमेंट अथॉरिटी। यू आर ऑन टॉप ऑफ पेंजिला पास। आपको पता है भाई आपका एडवेंचरस है, तो यहाँ था भाई पेंजिला पास, और वहाँ हम नीचे लेक के पास जाने का ट्राई कर रहे हैं मैं और नितिन भैया। रास्ता नहीं पता भाई कहाँ से है कहाँ से नहीं, बट जा रहे हैं हम, ये भी ठीक है। और ये भाई हम पूरी आपके लिए स्पेशल रिवर कवर करने आए हम। थी अपनी पेंसिला लेक, और वहाँ देखो अब पूरा का पूरा मौसम ख़राब होने स्टार्ट हो चुका है, एंड मैं और भैया आए थे यहाँ पर फोटोज़ क्लिक करवाने के लिए। अभी निकल रहे हैं हम वापस, अब नाउ वी आर गोइंग टू टूवर्ड्स पेंसिला टॉप। वहाँ अपने भाई लोग खड़े हुए हैं, उनको साथ में लेके फिर निकलते हैं, कोई ना कोई कैंटीन पे बैठ के चाय पियेंगे। ओ भाई स्नोफॉल होना हो चुका है स्टार्ट, ये देखो आपको स्नोज आ रही है, और टाइम से निकलना चाहिए क्योंकि मौसम ख़राब होते हुए पता नहीं लगता। चलो निकला जाए यहाँ से, और यहाँ से अभी हमें भाई कम से कम 160 किलोमीटर, अभी 90 किलोमीटर है, और यहाँ स्टार्ट हो चुका है भाई गंदे वाला स्नोफॉल। ठंड बहुत हो गई है, ये देखो पूरा का पूरा माउंटेन कवर हो चुका है, और अभी हमें भाई वो ग्लेशियर भी क्रॉस करना है। ऐसा ना हो कि हम रात भर यहीं फंसे रह जाएं, एंड वी डोंट हैव अ टेंट एंड एनीथिंग, खाने तक को कुछ नहीं है, तो बस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कवर करते हैं भाई। स्नोफॉल भैया। सो फाइनली आ चुके हैं भाई द्राम द्रुंग ग्लेशियर घूम के, एंड सेकेंड सच पास, ओ सॉरी पेंजिला पास, एंड मैं अभी मार्केट से लाया हूँ भाई। देखो अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो ये देखो मेरे होठ नाक काल सब खराब हो चुका है, सनबर्न हो चुका है, तो मैं लेके आया हूँ अभी मार्केट से एक जुगाड़ इन द सेंस छोटा सा एक फेशियल कर लूँगा खुद से, और
दो तीन आइटम एक्चुअली मैं लेके आया हूँ, आपको दिखाता हूँ। एक दो रेडबुल बिकॉज फॉर सम एनर्जी, और इसको खाली करने के थोड़ी बहुत स्नीकर्स ली हैं कल एनर्जी के लिए। और अब मैं करने वाला हूँ भाई हिमालयन का ये स्क्रब, उसके बाद नहाने के बाद लगाऊंगा बॉडी लोशन। देन मेरा था 30 SPF और ये लाया हूँ मैं 50 SPF, तो इससे काम करता हूँ कुछ। और होठों के लिए लेके आया हूँ भाई लिप लाइट। तो बस अब कर देते हैं काम शुरू। फेस के हाल भाई बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, तो अभी करता हूँ पहले स्क्रब, देन आऊँगा, देन उसके बाद ही कुछ सोची जाएगी। मेरे को व्लॉग एडिट्स करने हैं, फ़र्क इतना यार यहाँ प्रॉपर इंटरनेट नहीं है तो व्लॉग्स नहीं आ पा रहे हैं। आई एम रियली सो सॉरी गाइस, बट जैसे भी होगा एज सून एज पॉसिबल मैं जल्दी कर दूंगा। तो चलो जी करते हैं इस व्लॉग को यहीं समापन। ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, शेयर कर देना, और जो भी मेरे इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।